हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज क्लास में हम लोग फ्रैक्शन का विनोद का दशमलव प्रसार के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे इसके लिए एक अलग से वीडियो हमने बना चुका है, इसका अलग से एक क्लास ले चुका है दशमलव के बारे में, चाहे वो जोड़ हो घटाव हो गुणा भाग सारे बेसिक चीज़ सब हमने बताया गया है कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। लेकिन उसी सब क्लास को कंटिन्यू करते हैं सर। क्लास नंबर डे 7 क्या होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो उसमें आप जाकर पहले उसको जाकर देखो। बेसिक जो दशमलव का जो सवाल है वो करना है पहले, उसके बाद आपको ये समझना है, ठीक है। इसमें जो सवाल दूंगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होगा, तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, हमारे सामने जो सवाल आएगा वो किस तरह से उसको सॉल्व करना है उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझोगे वीडियो में। लास्ट तक इसके लिए बने रहना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं पहला सवाल किस टाइप का हम देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो लिए हुए हैं इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना भी सवाल दूंगा मैं इसको सबको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो पहला क्वेश्चन 298.1, 281.92, 28.92, 928, इन चारों को जोड़ना है ना, एक फ्रैक्शन का विनो का एक। तो जोड़ने के लिए हमने बताया था उस वीडियो में कि जितने भी पॉइंट्स होगा उसको एक लाइन में रखना है, एक सीट में रखना है, ठीक है। जैसे 298, पहले इसका रफ वर्क करना पड़ेगा, 298.1 पॉइंट को सामने रखना है, एक सीट रखना है, हर एक संख्या के पॉइंट 182, और उसके बाद जो है वो 9, तो एक के जस्ट नीचे आएगा 2, जिसके ऊपर कोई भी संख्या नहीं है ना। इस वाले में क्या है, 298.1 के बाद कोई भी संख्या नहीं है, इसमें आ जाओ 28 पॉइंट को सामने रखना है और 9, 2, इस संख्या में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसको पॉइंट बना सकते हैं, दशमलव में ला सकते हैं। तो कोई भी संख्या को, कोई एक पूर्णांक को हम दशमलव में लिखते हैं तो उसको 0.00, 0.000 जितना जीरो उतना डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका 928.00 बन जाएगा इसका, ठीक है। अब इसे हमें जोड़ना है सभी को आपस में, प्लस 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 है सब में, दो यहाँ अब जीरो लगा दो, दो अंक बना दिया, 2, 2, 4, 9, 9, 18, 1, 19 में हासिल आगे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया 9, 1, 10, 8, 18, 8, 26 हासिल में, 2, 11, 8, 17, 2, 19, 2, 21 हासिल में, 2, 6, 9, 15 आपका फाइनल आंसर क्या आया, 1516.94 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हमें ऐसा ध्यान रखना है कि पॉइंट को एक सीट में रखना है, उसके बाद आप जोड़ो घटाओ कोई दिक्कत नहीं है, केवल जोड़ और घटाओ के केस में ऐसा करना, जोड़ और घटाओ के केस में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये थोड़ा सिंपल सवाल है। 0.02 को जोड़ना है 0.1 के साथ, 0.121 के साथ जोड़ना है ना। ये सवाल देखो, ये भी अच्छा है, पॉइंट वाला सवाल है, पॉइंट 0.02, 0.1, 0.0, 0.121। इसमें भी क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि पॉइंट को एक लाइन में रखना है, एक सीट में रखना है, 0.02 ये होगा, 0.1 यहाँ होगा, 0.121 ये जीरो है ना, तो 0, 0 यहाँ एक है। पॉइंट के बाद इसमें 3 अंक है, पॉइंट के बाद 2 एक अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम सभी के लिए क्या किया, पॉइंट के बाद 3 अंक बना दिए है ना, जीरो लगाकर बना सकते हैं, पॉइंट के बाद जितना जीरो उतना लगा सकते हो। अब इसको जोड़ना है, क्या होगा, 1, 2, 2, 4, 1, 1, 2.0 ये हो गया आपका आंसर, कितना आया, 0.241, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बोर्ड मास के आधार पे सवाल है, इसी सवाल में हम प्लस माइनस माइनस प्लस ये दोनों ऑपरेशन दिया हुआ बस केवल, और तो इतनी बड़ी संख्या में सबसे पहले उसका काम करेंगे जो ब्रैकेट होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसमें भी छोटी ब्रैकेट का काम करना है, बाकी संख्याओं को वैसे वैसे चेंज करते रहोगे, स्टेप बाय स्टेप करना अच्छा होगा। 8 + 7.9 आगे वाला क्या होगा, 2.1 - 6.3 - अब तीनों को जोड़ना है, एक साथ जोड़ दो, तो उसके लिए रफ वर्क करना पड़ेगा, 2.1 हो गया आपका है ना, 2.1, 0.9, 15.2 पॉइंट को एक सामने रखना है, 10, 2, 12, 8, 18 तीनों को जोड़ने पे क्या आया, 18.2 आया, ठीक है, छोटी ब्रैकेट खत्म। अब क्या करना है कि इस वाले बड़े मिडिल ब्रैकेट में है माइनस या माइनस, तो एक काम करो कि किसी दो को हम जोड़ना है या घटाना है, 8 + हाँ इस दोनों को आप चाहे तो जोड़ सकते हो एक साथ में, 7.9 को जोड़ना है 8 के साथ, इसमें पॉइंट तो नहीं है, तो पॉइंट लगा दो, 8.0 लगा दो, 9,
ये हो गया आपका 17.9 माइनस। अब क्या होगा इसमें से, इसमें या तीनों में से किसी एक को हम साथ वर्क करेंगे इसमें, तो एक काम करो कि माइनस माइनस वैसे होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 6.3 को 18.2 के साथ जोड़ते हैं, 6.3 को 18.2 के साथ हम जोड़ देंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 8 से 14 में 4, हासिल में 1, 2। इसको आपस में जोड़ने पर क्या आया है 24.5। अब इसमें वही साइन आएगा जो साइन बड़ी संख्या के आगे है, तो बड़ी संख्या कौन है 18.2 है, उसके आगे माइनस साइन, तो यहां भी क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। 17.9, अब 2.1 में से 24.5 को घटाना है, तो 24.5 में से 2.1 को घटाना है, ठीक है, 24.5 में से 2.1 को घटाना है, यहाँ प्लस या माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस मतलब घटाना है, तो ये हो गया 4 आपका, 4 में 2 हो गया 2, 22.4 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया 22.4। अब इसमें क्या है कि जो संख्या बड़ी है उसका साइन लेते हैं, तो बड़ी संख्या का साइन क्या है माइनस, तो माइनस होगा इसके आगे। अब चुनौती ये आ गया कि इस संख्या के आगे साइन पहले से एक है, एक उसका अपना साइन है, तो दोनों साइन को गुणा करेंगे, 17.9 माइनस माइनस प्लस 22.4, फाइनली अब इसको जोड़ना है, पॉइंट को एक सीध में रखना है, 17.9 प्लस 22.4, 13 में हासिल में 1, 10 में हासिल में 1, ये हो जाएगा आपका 40.3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ, 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 डिवाइड में 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, मतलब इस क्वेश्चन में प्लस माइनस भाग और गुना सब दिया हुआ है, ये भी बोर्ड मार्क्स को फॉलो करेगा, बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, है ना, तो ब्रैकेट है इन दोनों के बीच में, वैसे पहले हम भाग गुना ही वैसे करते हैं बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, और इत्तेफाक से है कि गुना ही दिया हुआ इस बोर्ड ब्रैकेट के अंदर में, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाकी को हम चाहे तो एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा यहाँ 0.2, यहाँ 0.2 क्या कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ ये लगा हुआ है भाग है, तो इसलिए पहले इसका इसको काम होगा, उसके बाद आप घटा सकते हो जोड़ सकते हो, हाँ लेकिन इसको ये संख्या स्वतंत्र है अपने आप में, फ्री है, ये भी फ्री है, आप चाहे तो इसको जोड़ सकते हो एक साथ, प्लस 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 दोनों को जोड़ना है तो 0.4 आएगा भाग में 0.2, है ना, नहीं नहीं यहाँ तो माइनस होगा सॉरी, उसके बाद भाग में है 0.2, ठीक है। उसके बाद गुना में है 0.2 को गुना करना है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अब 0.2 को गुना करना है, तो दशमलव को एक लाइन मिलाओ या नहीं लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये मान के चलेंगे कि पॉइंट नहीं है, तो 2 और 2 है, 2 गुना क्या हो गया 4, गुना करना आसान है, पॉइंट वाला भाग करना भी आसान है, 2 को 2 से गुना किया 4 आया। अब जो पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ एक अंक से पहले, यहाँ भी एक अंक से पहले, एक एक अंक पहले, एक एक डिजिट पहले है पॉइंट, तो दोनों के लिए क्या होगा मिलाकर 2 अंक के पहले हमें पॉइंट देना है इसके गुणनफल में, तो एक अंक है 1 0 बढ़ा दो तो बन गया 2 अंक, तो 2 अंक के पहले हमें पॉइंट देना, ये आंसर आ गया 0.04, इसको गुना करने पर ये आ गया आपका, ठीक है 0.04। अब क्या करना है, गुना करना है या भाग करना है, क्योंकि अब भाग गुना एक साथ दिया हुआ है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है डिवाइड का काम होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड का काम होगा, तो 0.4 माइनस में अब पहले भाग कर लो, तो 0.2 को 0.2 से भाग करेंगे क्या आएगा ये बताना है हमें, है ना, ये 0.2 और ये 0.2 भाग करना है, भाग मतलब बट्टी करना है, तो ऑब्वियसली दोनों संख्या समान है तो एक आएगा भागफल, तो इसका भागफल आ गया आपका 1, और गुना में है 0.04 माइनस, अब इसको गुना करेंगे तो 0.04 ही होगा, अब इसमें से ये घटा दो भाई, तो यहाँ 0.4 है आपका, और यहाँ दिया हुआ है 0.04
जीरो चार घटाना, यहाँ पॉइंट चार यहाँ पॉइंट जीरो चार। अब क्या करना, पॉइंट को एक सीरी में रखा गया, पॉइंट के बाद चार जीरो है यहाँ जीरो लगा दो, घटाना है दस में चार के हासिल लेना, दस में चार गया छः तीन बचा, ये हो गया आपका जीरो दशमलव तीन छः। दोनों को घटाने पे क्या आया, जीरो दशमलव तीन छः। सवाल है बड़ी संख्या की, तो यहाँ क्या है कि ये संख्या छोटी, पॉइंट जीरो चार है यहाँ पॉइंट चार है, ये संख्या छोटी है ये संख्या बड़ी है, जो अंक जो बड़ी संख्या होगी उसी का साइन आएगा, तो बड़ी संख्या में प्लस है तो आपका आंसर हो गया जीरो दशमलव तीन छः। पचपन दशमलव पाँच सौ पचपन, पाँच 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 भाग करना है जीरो दशमलव जीरो जीरो एक से। अब पॉइंट को हम खत्म कर सकते हैं, अगर पॉइंट समान अंकों के पहले हो अंश और हर में, पॉइंट को दोनों को हटा सकते हैं, तो इसमें जो पॉइंट है वो तीन अंक के पहले है, इसमें जो पॉइंट है वो तीन अंक के पहले है, तो आप पॉइंट को इजिली हटा सकते हो, पॉइंट को पॉइंट पॉइंट से क्या हो गया खत्म, पॉइंट के बाद तीन अंक है, पॉइंट के बाद तीन अंक है, खत्म हो गया। ऊपर बचा पाँच पचपन पाँच सौ पचपन, नीचे बचा एक, तो पचपन पाँच सौ पचपन एक से भाग होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो संख्या अंश में दिया हुआ है, पचपन हजार पाँच सौ पचपन, ये हो गया आपका आंसर। इसी बिहार पे एक और सवाल देखोगे सिक्स नंबर का, बाईस दशमलव बाईस बाईस बाईस, बाईस दशमलव दो 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 पाँच बार भाग करना है इसको पचास से, पचास का मतलब ये हुआ आधा में जीरो लगाना है, इसका भी सिंपलीफाई ऐसे ही करना, बट्टे में लिया हुआ है ना, बट्टे में लाओगे क्या आएगा, बाईस दशमलव दो 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 भाग करना है पचास के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि इसमें तो पॉइंट है नहीं लेकिन इसमें पॉइंट दिया हुआ है, तो कोई इशू नहीं, अगर दोनों में किसी एक में पॉइंट है तो एक काम करो कि अंश वाले पॉइंट को उड़ा दो, बट्टे के नीचे एक लिख दो और उसके बाद जितना भी अंक है उतना जीरो डाल सकते हो, एक तरीका ये हुआ। पॉइंट वाला अगर सवाल हो तो पॉइंट उड़ा के आप ऐसे कर लोगे, अगर ऊपर नीचे दोनों पॉइंट हो तो कोशिश ये करना कि पॉइंट के बाद का जो अंक है उसको बराबर करना और पॉइंट को खत्म कर देना, उस पॉइंट के बदले में एक सौ एक दस एक हज़ार कुछ आने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। इस वाले केस में क्या है कि पॉइंट है नीचे वाले में हर में अंश में दिया हुआ है, इसने पॉइंट को उड़ाया इसमें कर दिया। हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन हो कि इसके भागफल में इसके भाज्य में कोई पॉइंट नहीं हो लेकिन जिससे हम भाग देंगे भाजक से इसमें पॉइंट होगा, तो नीचे वाले हर का पॉइंट उड़ाकर अंश में डाल दोगे, जितना पॉइंट होगा उतनी बार हम जीरो लगाएंगे एक के साथ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, अब क्या होगा, वैसे एक काम करते हैं कि वैसे कोई कैंसिल नहीं होने वाला है तो हम इसको पाँच से भाग करेंगे तो क्या आएगा, पूरे को पाँच से भाग करना, सिर्फ पाँच से, पाँचों का बीस दो बचेगा, 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 पाँचों का बीस दशमलव, तो पाँचों का बीस दशमलव। अब बट्टे के नीचे वैसे अभी बचा हुआ है, पाँच से भाग दिया गया, एक पर तीन दो पाँच जीरो और एक जीरो ये छः जीरो हो गया, क्या है चौवालीस 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 दशमलव चार, भाग करना है एक पे छः जीरो से। अब वही सवाल है कि पॉइंट को, अब देखो अभी क्या करना, भाग पर इजी हो गया, चार 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 दशमलव चार, बट्टे में एक पे छः जीरो वाला संख्या है, तो यहाँ पॉइंट जो है यहाँ चार से हटकर, पॉइंट यहाँ से हटकर चूँकि छः जीरो है तो छः अंक पहले चला जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट कर छः जीरो है तो छः अंक से पहले पॉइंट आएगा, तो कहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ आएगा, ये पॉइंट उठकर कहाँ आएगा, तो बन जाएगा जीरो दशमलव चार 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 चार, और फाइनली चार हो गया आंसर, तीन दीजिए एक साथ, ठीक है ये हो गया आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 5400 भाग करना 0.9 को भाग करना 0.3 से। तो क्या करना है कि हम इसको इससे भाग देते हैं, 5400 भाग करेंगे 0.9 से, बट्टे में लिया इसको उठा के, और इसके साथ भाग है क्या 0.3 है, ठीक है। तो एक को सबको एक साथ कर लो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भिन्न भाग होगा। 5400 बट्टे में क्या 0.9 भाग गुना में जाएगा, अब 0.3 के नीचे एक है तो 1/0.3 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इस वाले सवाल में क्या है कि बट्टे के नीचे में पॉइंट दिया हुआ है, इसमें भी पॉइंट बट्टे के नीचे दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को अगर हटाना है तो ऊपर में हमें क्या करना पड़ेगा, 10 गुना करना पड़ेगा। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर में क्या करना पड़ेगा आपको, 10 गुना करना पड़ेगा। दोनों पॉइंट के बदले में 10-10 आया। क्यों 10 इसलिए आया क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक, ऐसा हुआ। अब देखो क्या हुआ, 5400 यहाँ 9 यहाँ 3, तो 3 से 5400 कट जाएगा, 3 1 3 8 24, 2 0 तो 0 0 लगा दो, 9 से 1800 कट जाएगा कितना बार में, 200 बार में। आगे आपका आंसर, यहाँ 200 है, यहाँ 10 × 10 = 100 है, ठीक है। तो फाइनली 2 पर 4 0 आंसर आ गया आपका, 20,000 आ गया। इसी आधार पे एक और क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। पचास भाग में 0.5 अब बट्टे में है 5, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 50 बट्टे में 0.2 भाग को गुना में लिया, 0.5 बट्टे में 5, तो ये 5 अंश में जाएगा, ये वाला 5.5 नीचे आएगा, हर में आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, पॉइंट को हटाकर आपको ऊपर में एक लाना है, 0 लाना है। तो ये पॉइंट हटेगा तो बट्टे के ऊपर क्या आएगा, 10, ये पॉइंट हटाएगा तो बट्टे के ऊपर क्या आएगा, 10 आएगा। 50, 2, 5, 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 50 से 2 25 बार में कैंसिल होगा, तो फाइनली आपका 25, 10, 10 बचा, 25 × 10 × 10 हो जाएगा आपका 2500 आंसर। हड़ों में कुछ नहीं बचा है, पूरा कैंसिल खत्म। दसवां क्वेश्चन, 0.32 को गुना करना 0.64 से, 0.01 को गुना करना 0.08 से, और फिर भाग करना ऊपर नीचे में। बहुत सिंपल ही बनेगा इसका, बहुत आसान से बनेगा, देखो कैसे बनाते हैं। 0.32 गुना 0.64, किस तरह से पॉइंट को चेंज करके हम बट्टा लाते हैं, दसवें को खत्म करते हैं, 0.016 0.008। देखो ऐसा होता है कि जब ऊपर नीचे में पॉइंट के बाद अगर अंक समान हैं, पॉइंट के बाद अगर अंक समान हैं, तो उस पॉइंट को आप इजीली खत्म कर सकते हैं। जैसे देखो 0.32 और 0.6, यहाँ पॉइंट नहीं उड़ेगा क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो पॉइंट को अब पॉइंट के बदले में एक उस जितनी संख्या उतना 0 लगाते हैं, मतलब 10, 100 या 1000 जो भी हो, इस वाले केस में वो करना जरूरी नहीं है। पॉइंट से पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या होता है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 10 लगा दो, 2 अंक बन गया, 2 अंक नीचे बन गया, पॉइंट खत्म कर दो। पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, जितना मर्जी उतना लगा सकते हैं, 32 और 60 हो गया। वैसे 32/6 था, पॉइंट के बदले में 100 आता, पॉइंट के बदले में 10 आता, तो 10 से कैंसिल, 10 बचता। यहाँ भी वही करना है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक। तो देखो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ खत्म हो गया। यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, 10 बढ़ा दो, 3 अंक बन गया, अब वो पॉइंट से पॉइंट हो गया खत्म। बचा क्या अब आपके सामने, 32 बचा हुआ है और 640 हो गया, ये 16 और 8, 16 दूना 32, 2 से कट जाएगा 4,
चार से कट जाएगा 16, 160 है ना। फाइनली आंसर हो गया आपका 160। ऊपर नीचे देखेंगे ये भी मतलब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 8.4 गुना करना 4.2 के साथ, भाग करना 2.1 के साथ, भाग करना 2.1, 4.2 भाग करना 8.4 के साथ। दिए गए सवाल में गुना भी है और भाग भी है। तो अभी जो सवाल था कि केवल गुना वाला था, हम ऊपर नीचे पॉइंट को हटा दिए, लेकिन जब भाग वाला होगा तो फिर कैसे होगा भाई? तो जो भाग में है वो नीचे आएगा, नीचे वाला भाग ऊपर जाएगा। इसको आप ऐसे चेंज कर लो, 8.4 × 4.2 बट्टे में 2.1 × 4.2। अब यहाँ गुना कर दो, 8.4 ऊपर आ जाएगा, भाग को गुना में बदला गया, पलट जाएगा, भिन्न पलट जाएगा, और 2.1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2.1 क्या होता है कि जो भाग है तो इसके साथ 4.2 बट्टे में 2.1 होगा, 8.4 है तो यहाँ बट्टे के नीचे आएगा। फिर से हम बट्टे को कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे उल्ट, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा आपका। ठीक है, अब सारे के सारे टर्म गुना में हो गया, पॉइंट के पहले सब में एक एक अंक है, पॉइंट एक एक अंक के पहले, ये हो गया 21, ये हो गया 84, 42, 84 21, 42, 21, 42 से 42 कैंसिल, 21 × 4 = 84 होता है, 21 × 4 = 84। फाइनली आंसर हो गया आपका 16। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही, उम्मीद है कि जितना भी सवाल फ्रैक्शन का, ये दशमलव प्रसार का जो सवाल है वो आया होगा, और अगली क्लास में हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे फ्रैक्शन के लिए, दशमलव गिन के लिए, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो पहले आप लोग ये करोगे कि 1 से 11 जो सवाल मैंने दिया है, इस सवाल को आप अच्छी तरह से पहले प्रैक्टिस करोगे। अगर वाकई में आपका बेसिक मैथ बहुत ही कमज़ोर है, तो बेसिक चीज़ बहुत कमज़ोर हो, तब इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना 2 बार 3 बार 4 बार करके, ताकि अगला जो हम वीडियो लेके आएंगे उसके बाद आप देखोगे उस वीडियो में जो सवाल होगा इससे थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो बनाना आपके लिए आसान पड़ जाएगा। ठीक है,